नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रूफटॉप गार्डन। लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब मजे में हो और सही सलामत हो। आज मैं आपको आबोली प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको आबोली के पौधे को सनलाइट कितना लगता है, पानी कितना लगता है और इसको मिट्टी कैसे लगती है, इस बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आबोली, इस पौधे को बहुत सारे नाम हैं। इसको कनकम्बरम तमिल में बोला जाता है, कनकम्बर कन्नड़ा में बोला जाता है और अंग्रेज़ी में इसको फायर क्रैकर फ्लावर भी बोला जाता है। फायर क्रैकर ये नाम बीज की फली को संदर्भित करता है जो फूल सूखने के बाद पाए जाते हैं और उच्च आर्द्रता या वर्षा के पास होने पर विस्फोट करते हैं। यही विस्फोट के वजह से इसके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। आबोली एक सीधा सदाबहार पौधा है जो चमकदार लहरदार पत्तियों और पंखे के आकार के फूलों के साथ 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट तक बढ़ जाता है। यह पंखे के आकार के फूल पूरे साल किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं। इन फूलों को 3 से 5 पंखुड़ियाँ होती है। आबोली के पौधे को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर कंटेनर में उगाया जाता है लेकिन बेड में भी आकर्षक हो सकता है। आबोली के फूलों में कोई सुगंध नहीं होती है लेकिन पौधे पर यह कई दिनों तक ताज़ा रहता है। इसे बीज या कटिंग द्वारा उगाया जा सकता है। इसकी मिट्टी की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस मिट्टी में बिल्कुल भी जान है ऐसे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इस मिट्टी में कुछ भी खाद सालों से नहीं डाला है। ये ऊपर से पड़ने वाले पत्तों पे खुद ब खुद बनने वाला खाद ही अपना गुजारा कर रहा है। तो ऐसे कहा तो गलत नहीं होगा कि ये बहुत ही कम खाद में भी अच्छी तरह से फल फूल लेता है। अगर ये जमीन में सेमी शेड में उगाया गया है तो इसको पानी की भी आवश्यकता बहुत ही कम रहती है। हाँ, अगर आपने इसे टेरेस गार्डन में उगाया है तो अलग बात है। आपको मैं दिखाता हूँ कि टेरेस गार्डन में ये कैसे उगता है। मैंने उसे बेड में और एक गमले में भी लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा धूप में भी ये जिंदा है लेकिन इसको उतने फूल नहीं है जितने ज़मीन में सेमी शेड में आए हैं। टेरेस गार्डन में इसको पानी भी बहुत लगता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाता है। इसका रोग प्रतिकार शक्ति भी अच्छी है लेकिन टेरेस गार्डन में पानी के कमी में इसको जल्दी से सफ़ेद मावा या मिलीबग इन्फेस्टेशन होता है, ये मेरा अनुभव है। तो दोस्तों, इस आबोली के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना और इसके बीज बच्चों को खेलने के लिए ज़रूर देना, क्योंकि ये पानी में डुबोते ही जल्दी से फूट जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर मेरे चैनल को आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी गार्डनिंग।